और यहाँ पे चल रही है कृति का, अभी अभी अच्छा फोटो आएगा बम्बोली वाला। सीरियस चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, अभी मैं अंदर जाके बात नहीं कर। चैनल तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, मोमो खाने। मोमो खाने एक्चुअली ना वेजिटेबल नहीं है एकदम से। हाँ तो सैटरडे संडे हम लोग नहीं निकले थे, कल ऐसे में बहुत भीड़ होता है तो इसके लिए। तो अभी हमने सोचा कि चलो कुछ वेजिटेबल लेके आते हैं, और अगर होता है अतनु बोलते हैं तो खा लेंगे, इसमें क्या है ना। चलो पापा मोमो ले आए। मोमो लेंगे ना, पहले से इन लोगों की हो गई है बातें मेरे से छुप छुप के। और अभी हो रही है बारिश, बहुत दिनों के बाद ऐसे हम लोग कार पे हैं और बारिश हो रही है। मतलब वही हम लोग बोल रहे थे कि जमाना हो गया कि ऐसे बारिश में हम लोगों ने ड्राइविंग नहीं किया है। तो फाइनली बाहर आके ना बहुत अच्छा लगा, और आज का दिन तो मतलब पूरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया इस बारिश के साथ। ओके तो अभी होगी हम दिनों की मोमो कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे तीन प्लेट मतलब एक एक प्लेट करके मोमो है, 9। हाँ, 9 मोमो है। 9 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
हाँ पर स्लोली। नहीं आज कुछ दूसरा करते हैं, क्या देखते हैं कौन पहले खत्म नहीं करता। मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं स्टार्ट करती हूँ। कौन खत्म नहीं कर पाएगा? कौन कितना लास्ट में खत्म कर सकता है? लास्ट में खत्म कर दूँगा। माँ आमी खाबो। चल खाना है, बैठे नहीं रहना है। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ भजी। पाव नहीं बनाऊंगी, मतलब हम लोग जो भजी बनाएंगे इसको रोटी के साथ खाएंगे, ये ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल कट कर लिया है, जो भी घर पे था वही मैंने डाल दिया, जैसे फूल गोभी था, कद्दू है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, थोड़ा सा लौकी और आलू भी डाल दिया है एक मीडियम साइज का। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी। तो बॉईल करने से पहले मैं कुकर में ले लूँगी थोड़ा सा मास्टर ऑयल, उसमें दे दूँगी जीरा। जीरा जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, मतलब चटक जाएगा, तो 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी पाव भाजी मसाला। उसके बाद मैं सारे वेजिटेबल ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको ऐसे ही कढ़ाई में रख के फ्राई कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें, और उसके बाद मैं इसको पानी डाल के बॉईल करने के लिए दे दूँगी। Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking. और दूसरे साइड में मैंने पैन में ले लिया है बटर और थोड़ा सा मास्टर ऑयल। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं कटा हुआ हरी मिर्च और ऑनियन ऐड कर दूंगी। ऑनियन को मैंने एकदम से बारीकी से कट किया है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसके साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। तो इस तरह से ना मैं इसको ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जब अच्छा सा स्मेल आएगा ना उसके बाद मैं मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पर पाव भाजी मसाला जो है वही ऐड करूँगी, बाकी कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने भर भर के 4 चम्मच पाव भाजी मसाला जो है वो ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ में मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और सॉल्ट स्वाद के अनुसार ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी दे के ना मसाले को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो दूसरे साइड पे यहाँ पे जो वेजिटेबल है वो सब बॉयल हो गया है। अब मैं इसको स्मैश कर लूँगी ताकि दाना दाना ना रहे, तो कुकर में ही कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा ईजी होता है। और यहाँ पे मेरे मसाला जो है देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, आप चाहो तो लास्ट में भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अभी मैं जो बॉईल किया हुआ सब्जी है वो सब मिक्स कर दूंगी और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, मतलब बाहर जो आप खाते हो ना उससे कहीं गुना अच्छा लगता है मुझे।
और इसका कलर लाने के लिए अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बीट रूट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू। नींबू से ना इसका जो खट्टा एक टेस्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ हम लोग रोटी खाएंगे, पाव नहीं खाएंगे। हे गाइस, सो आज मंगलवार है और कृति का भी चल रहा है क्लासेस, और मैं जस्ट नहा के ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है। और आज ना ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने राइस खाया था क्योंकि मैंने दाल राइस और खसखस बनाई थी। आज एक्चुअली हम लोग वेज खाने वाले हैं तो इसके लिए दाल राइस और खसखस बनाई थी। तो गर्मा गर्म था तो अदनु भी बोल रहा था चलो गर्मा गर्म है तो खाना खा लेते हैं, मतलब जल्दी बना लिया था, कुछ काम नहीं था तो वैसे मैंने खाना बना लिया था। और दोपहर को हम लोग सोच रहे हैं कि पराठा बनाऊंगी और साथ में आलू भुजी, तो देखते हैं वही करूँगी क्योंकि एक बार राइस खाने से ना और खाने का मन नहीं करता है। वैसे भी घर में रह रहे के ना कुछ भी खा लेती हूँ ना तो हैवी लगता है, और अगर आप बाहर जाते हो थोड़ा बहुत मतलब घूमते हो तो अच्छा लगता है, मतलब भूख भी लगता है। तो घर पे रह रहे के ना भूख भी कम हो रहा है, भूख कम हो रहा है, नींद कम आ रहा है, तो ये सब तो हो ही रहा है। तो चलिए अभी प्रीति का चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, अभी मैं अंदर जाके बात नहीं कर पाऊँगी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत गार्डन में आप लोगों के साथ में बात कर लूँ। और इस टाइम में ना यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है, काम रहता है तो आने का टाइम नहीं मिलता है बट यहाँ पर आने से अच्छा लगता है। और आज वही क्लाउडी थोड़ा सा धूप। The thing about giving your heart away is hoping love will never die. Life unfolds in the strangest ways and sometimes you just can't keep love alive. ये जो न्यू वाला कफ है ना, ये हम लोगों ने आज इसका उद्घाटन किया है ना? Yes. कैसा लग रहा है न्यू कप में चाय पी के? चाय का कुछ डिफरेंट टेस्ट आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। हम लोग खा रहे हैं चाय और पराठा। आज ना लंच हम लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया था तो इसके लिए। प्रीति को चाय पराठा कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? और यहाँ पे चल रही है कृति का ड्राइंग। हाँ। क्या ड्राइंग कर रहे हो दिखाओ? ये यहाँ पे बटरफ्लाई निकल रहा है ना? हाँ, मैं लिखती हूँ। हाँ लिख के दो। और अभी ना इसका स्टडी एरिया ना थोड़ा सा खाली खाली, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं, क्लेटर फ्री लग रहा है जो पहले लग रहा था। तो कल एक्चुअली कृति का एक ड्राइंग कंपटीशन है तो इसके लिए कृति थोड़ा सा प्रिपरेशन ले रही है, तो इसीलिए आज आफ्टरनून में वो बैठ गई है ड्राइंग करने के लिए। यार अभी आफ्टरनून नहीं है, इवनिंग है। हाँ इवनिंग है। ये तो मेरा होता आज रहता रूटीन है। छोड़ दो। आज रूटीन छोड़ देते हैं, आज तुम कल के लिए प्रैक्टिस करो सिर्फ। के अंदर है बटरफ्लाई अभी। हाँ। और ये कमिंग बाहर आ रहा है। हाँ, ये देखो। स्टोरी दिया जाएगा, स्टोरी को पढ़ने के बाद उसको ड्राइंग करना है। हाँ। मतलब क्या समझे स्टोरी को पढ़ के तो उसी के ऊपर ड्राइंग करना है, तो वो है। वॉट फॉर द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स एज इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल होल देन इट सीम टू स्टॉप मी। और आज ना हमारे नेटिव में, मतलब हमारी जो कुल देवी है उनकी पूजा है तो इसके लिए हम लोग वेज ही खाते हैं घर पे। माँ मोनुषा, बहुत सारे लोगों को पता है जो बंगालीज है स्पेशली, उन लोगों को तो पता ही है। तो बहुत सारे फ्रेंड के घर में भी पूजा है, जब लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उनके घर में भी होता है। तो हैप्पी मोनुषा पूजो आप सबको। और ऐसे ना पकड़ के ना ऐसे जस्ट मैं उसकी हेयर को टाई कर देती हूँ,
भोले बाबा हो जाता है। अभी अभी अच्छा फोटो आएगा भोले वाला, सीरियस। तो अभी कृति यहाँ पे सो जाएगी और मैं जाऊंगी थोड़ा बहुत जो वीडियो मैंने बनाया है उसको एडिट करूंगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।